वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सत संगत जी, जिवें कि आप जी ने पता ही है कि आप जी ने पहला भी वक्त वक्त असी सिख कौम जिन्हें साढ़े भैन भरा ने खालसा पंथ को आप स्टेज करते रहने हैं, जिवें कि हुण पिछले दिनों के अंदर अखोती 15 अगस्त की जी आज़ादी जी कि सिख कौम गुलामी तो बाद दूजी गुलामी की शुरुआत थी, उस दिहाड़े के उत्ते एक पासे जो ब्राह्मणीवाद की सोच रखने वाले लोग सन, ये जश्न मना रहे सन। वो जश्न मना रहे सन तो नाल ही सिखां गोलियां मार के भी जश्न मना रहे सन। ये ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन, तो भारतीय जनता पार्टी के जेडे इन दड़िया एजेंसिया ने इन्होंने एक बार फिर सिखां दे जेडे अंदर दे उत्ते गोलियां चला के दिल्ली के तिलक विहार के अंदर ये सिखां नूं महसूस कराया भी साडी आज़ादी है ते तुहाडी गुलामी है। इस गुलामी वाले दिन तुहानूं गोलियां दे नाल तुहाडे घरां दीआं जायदादां तुहाडीआं धीआं भैणां दी इज्जत जिहड़ी है लुट्टी जाएगी। वो जो 3:30 बजे के करीब उत्थों दे हिसाब नाल इन्हां ने जो उत्थे खेड खेडिया उहदे नाल जिहड़ियां घट गिणतीआं जिहड़ियां लताड़ियां जाणियां ने उहनां नूं वी नाल लै के ये ब्राह्मणी सोच जिहड़ी कि पहलां कई हजारा वर्या तो यह काम करती आई है इन्होंने उन्होंने भी यूज नाल किया वे। सो खालसा जी आप चाहिए भी इतों आप अंदाजा ला लो तो मैं पंजाब तो बहर रहने वाले सिखा के अगे भी बेनती करता वहां भी तुम आ जे तिरंगे झंडे चलाने कोशिशा करते हो जे होर इन्होंने जश्न जश्न लेंदे हो तुम अपनी मौत के वरंट से दस्खत करते हो। सो इन जो पंजाब भी हो रहा है अज फिर उ हालात पिंड पैदा किए जा रहे हैं जिथे ड्रग माफिया जिथे शराब के पिंड पिंड ठेके जिस तरह आले कछिया वाले दूजे तीजे एक पासे जो थोड़े सामने बकायदा तौर पर वीडियो पेश की जा रही ने दूजे पासे ये पंजाब के जड़े सिख पंथ नाल दर्द रखने वाली जिहड़ियां जथेबंदियां ने जेकर यहोजा गल असीं बाहरले मुल्कां च विखाने आ उन्हां नूं जाके ये उन्हां दे दरवाजे दरवाजे जाके उन्हां नूं तंग किया जा रहा है। जिन्हें भी पंजाब दे विच कोई आजादी की गल करता है भावें दलजीत सिंह बिट्टू है ज कोई होर जथेबंदियां ने उन्होंने इन्होंने जेलां सुटिया है। कुलवीर सिंह जो जिहड़ा हैगा एस जी पी सी दे मैंबर होर भी जिहड़ा कोई भी सिख थोड़ी आजादी की सिख धर्म की गल करता है उन्होंने चुके अंदर देंगे ने। इस करके साडी लड़ाई जिहड़ी है किसी भी एक सिख जथेबंदी ने नहीं, साडी लड़ाई बादल दे नाल इस बादल की सोच नाल है जिहड़ी कि ब्राह्मणी सोच नूं लैके सिखां दे कोलों सिख मरवा सिख मरवाए जा रहे हैं। जिवें किसे सट गया सरदार नूं मारे सरदार जां मारे करतार, अज सिखां कोलों सिख मरवाए जाते हैं। पंजाब च बादल बैठा है, दिल्ली च मनमोहन सिंह फौज का हैड भी वो है जो तुहाडे सामने आ इंडिया ते पाकिस्तान की आपस असीं चाहुंदे लड़ाई नहीं होनी चाहीदी। ये सब जो करा आप राजनीति करा रही है, कश्मीरियों के उत्ते भी जुल्म किया जा रहा है और दूजे पासे उन्होंने रोन भी दिता जाता इल्जाम झूठा बयान कुछ होर दिता ही ते उन्हां दी पॉलिटिशनां ने बयान कुछ होर दिता सी। तुहानूं लगदा है इस तों कि इह इक फॉल्स फ्लैग है, इह सरकार ने आप ही अपने बंदे मार के पाकिस्तान दा नाम लाया ते इन्हां दी अपनी इक साजिश है। साउथ एशिया के अंदर एक पाकिस्तान ही यही ताकत हैगी है जिहड़ी कि इन्हों का थोड़ा बहुत विरोध करती है। चाइना को ये डरते हैं, चाइना के बंदे चार चार पांच दिन आ के पांच पांच दिन रह देते हैं, उन्होंने बना इन्हों का कोई किंतु परंतु नहीं है। ये जिहड़ियां छोटियां ताकत ने समझ पाकिस्तान सानू ये रद्द कर लेंगे, पर जिहड़ा पाकिस्तान के अंदर भी जो है थोड़े कतलेआम से बम धमाके हो रहे हैं वो थ्रू अफगानिस्तान ये इंडिया की जिहड़ी राज एजेंसी है अते रशिया की जी रशिया से दूजिया होर जथेबंदियां जो बाहरले मुल्क एजेंसियां ने वह रल के सारा काम कर रही ने। असी आप जो बयान सुने से अपने आप को शांति के बहुत बड़े दुनिया च प्रचारक कहने वाले स्वामी रामदेव उन्होंने कहा जी सानू ना कि पाकिस्तान से धावा बोल देना चाहिए, सानू उन्हां ते अटैक कर देना चाहिए, उन्हां ते हमला न्यूकलर बंब सिट देने चाहिए ने। तुहाडे की ख्याल ना अपने आप नूं शांति दे पुजारी धर्म दे प्रचारक दसण वाले लोग क्यों ऐसियां फिरका प्रस्ती ते अतवाद लोग ये क्यों इहे जिहे
अतवाद का प्रचार कर रहे ने अतवादी ब्राह्मण, क्योंकि एक किस्म का ये लोग वह चाहता है भी पाकिस्तान जंग करी जाए। गल ये इन्हों की जी सोच है ना भाई साहब, भाई